तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपने अपने चैनल की और आपने अपने वीडियो की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से नहीं की है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स की वीडियोस बनाते हैं, यानी कि आप अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सिखाते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सिखाते हैं। तो अब मान लीजिए किसी यूजर ने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ट्यूटोरियल्स, तो वहां पर जो सर्च लिस्ट खुलती है यूजर के सामने, उसके ऊपर आपकी वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपकी वीडियो उस सर्च लिस्ट में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने चैनल की और आपने अपनी वीडियो की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं की है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने चैनल और अपने वीडियो की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा भी कि ये आपने कैसे करना है। कोई मुश्किल टूल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा और आपका चैनल ग्रो करेगा, जरूर ग्रो करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो वाला डेटा होता है जिस डेटा की मदद से आपका जो चैनल और आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में ऊपर आते हैं। तो आपकी वीडियो अगर सर्च लिस्ट में ऊपर नहीं आ रही है, तो आपने कुछ एक स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ पर दो चीजें आपको सिखाएंगे, पहले है चैनल एसईओ और दूसरी है वीडियो एसईओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो एसईओ की। तो वीडियो एसईओ आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी वीडियो की आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने अपने मोबाइल पर यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है और उस वीडियो को ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि गो टू वीडियो एनालिटिक्स में आपने क्लिक कर देना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी वीडियो एनालिटिक्स, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके जो वीडियो की सेटिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकली आपको साथ साथ करके बता देता हूं। तो जैसे ही आप, मैं यहां पर आपको अपनी एक वीडियो की सेटिंग में लेकर जाऊंगा, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी जो वीडियो है उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो सर्च से आती है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मेरी उस वीडियो से रिलेटेड टाइप करता है यूट्यूब पर कुछ भी, तो मेरी वीडियो जो है सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एक वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर जो मेरी ट्रैफिक है वो 96% से भी ज्यादा जो है वो सर्च की मदद से आई है। यानी कि व्यूवर ने कुछ ना कुछ टाइप किया और मेरी वीडियो जो है सामने आ गई और उसके ऊपर उसने क्लिक कर दिया। तो आपने यहां पर क्या करना है, गो टू एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको यहां पर वीडियो के डिस्कवरी सेक्शन में चल जाना है, और डिस्कवरी सेक्शन में आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो जितने भी जो सर्च टर्म मिलते हैं टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, वो दोस्तों वो वाले कीवर्ड होते हैं जो कि यूजर ने टाइप किए होते हैं और जिसकी मदद से बाद में आपकी जो वीडियो है जो सर्च लिस्ट में सामने व्यूअर के सामने आई होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो जितने भी सर्च टर्म होते हैं उन सबको आपने एक पेपर पर नोट कर लेना है, और अपनी वीडियो की सेटिंग के अंदर जाना है, और उस सेटिंग के अंदर आपने जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं, जितने भी आपने टैग लिखे हैं अपनी वीडियो के अंदर, उन सब में आपने वो वाले सर्च टर्म डाल देने हैं जो कि आपको डिस्कवरी सेक्शन में मिले हैं। तो जैसे ही वो सर्च टर्म आप अपने वीडियो के टैग सेक्शन में डाल देंगे, उसको बाद आपने उसकी अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर भी हमारे जो सर्च टर्म है उसके अंदर आपने डाल देने हैं। और कोशिश कीजिए जो टॉप वाला जो सर्च टर्म है उसको आप कोशिश करिए अपनी वीडियो का टाइटल बना दीजिए। तो एक दो दिन में आप देखेंगे आपकी वीडियो जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, ये आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो आपकी वीडियो की एसईओ और कैसे आपने इम्प्रूव करनी है, आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर आपने जो आई कार्ड बटन है वो प्रॉपरली लगाए हुए हैं, और एंड स्क्रीन आपने लगाई हुई है। तो अगर आपने ये सारा काम किया, जो जैसे आपने मैंने आपको सेटिंग बताई है वो आपने उसी तरीके से आपने लगा दी, तो आपकी जो चैनल है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आपके चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी होगी। और यहां पर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपका जो वीडियो का टाइटल है वो वाले टाइटल को आपने डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन बना देना है, और उसी टाइटल को आपने अपनी जो वीडियो का जो फर्स्ट टैग है वो अपने अपने टाइटल को ही लिखना है। तो इस तरीके से भी आपका जो चैनल है बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने चैनल एसईओ के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं ये सारे जो स्टेप है अपने प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप पर आपको करके बताऊंगा। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने चैनल की एसईओ करनी है। चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिस टॉपिक के बारे में आप वीडियोस बनाते हैं, जब मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के बारे में आप वीडियोस बनाते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
सर्च करेगा यूट्यूब पर, तो आपका चैनल जो है और आपके चैनल से रिलेटेड जो वीडियोस है वो सर्च लिस्ट में टॉप पर आ जाएंगी। और इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा वीडियोस और जितना ज्यादा चैनल आपका सर्च लिस्ट के अंदर आएगा, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपकी वीडियोस पर क्लिक भी किया जाएगा, और उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका चैनल ग्रो भी होगा। तो जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और चैनल SEO आपने कैसे करनी है वो आपको हम बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल ही नया चैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है, गुरप्रीत MCA नाम से एक चैनल बनाया है। तो अगर आप ये कुछ ही दिन पहले बनाया है, तो जैसे ही आप YouTube पर जाकर गुरप्रीत MCA टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है जो वो सर्च लिस्ट में बिल्कुल ही टॉप पर दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आपको दूंगा। तो सबसे पहले चलिए आप बात करते हैं कि आप अपने चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है। तो कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ और सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वीडियो मैनेजर की एक ऑप्शन मिल जाएगी ऊपर, चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम चैनल की सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर हम कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे, कुछ हम टैग्स लिखेंगे, जिसकी मदद से आपका जो चैनल है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको नीचे सेटिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने सेटिंग की ये ऑप्शन ओपन हो गई है, यहाँ पर हमने चैनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और चैनल सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये ऐसे बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स की आपको एक ऑप्शन मिलेगी। तो आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, आपने यहाँ पर उसकी जो कीवर्ड्स है वह यहाँ पर टाइप कर देने हैं। तो जैसे आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, तो या फिर आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, तो यहाँ पर आपने वो सारे कीवर्ड डाल देने हैं और उसी के साथ आपने यहाँ पर चैनल का नाम भी डालना है। तो जैसे ही आप इसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पर आपने नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस सेटिंग की मदद से आपका जो चैनल है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब भी कोई व्यक्ति यूट्यूब पर आएगा तो आप वो जो भी कुछ भी अगर आपके चैनल से रिलेटेड टाइप करेगा या फिर कुछ भी वो डाटा ऐसा टाइप करेगा जो कि आपके चैनल से रिलेटेड है, तो सर्च लिस्ट में आपकी जो चैनल है वो ऊपर आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैंने जो दो स्टेप बताए हैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, उसको आप जरूर इंप्लीमेंट करिए, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।